हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम है क्या? हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कुछ विशेष नियमों के तहत होती हैं, विशेष नियमों का पालन करती हैं। ये नियम कहलाते हैं रासायनिक संयोग के नियम। ये नियम पांच है। सबसे पहला है द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण का नियम, जिसे हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्य के संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है गुणित या सरल अनुपात का नियम। गुणित या सरल अनुपात का नियम। लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है गैरुशेक का नियम। गैरुशेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है, गैरुशेक का नियम। फिफ्थ है एवोगैड्रोला, अवोगाड्रो का नियम। एवोगैड्रोला। हम यहाँ पर दो नियम पर स्टडी करेंगे। आज इस वीडियो में हम दो नियम के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम। पहला है द्रव्य के संरक्षण का नियम। द्रव्य के संरक्षण के नियम को सन 1756 में एक रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने दिया था। लोमोनोसोव सन 1756 में इस नियम का प्रतिपादन एक रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि द्रव्य अविनाश है, यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप चेंज किया जा सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्राओं का योग उत्पादों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। दो परिभाषा इसकी दे सकते हैं कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप चेंज किया जा सकता है। इसे हम द्रव्य के संरक्षण का नियम कहते हैं या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। यह इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्राओं का योग उत्पादों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। इसको समझाने के लिए लैंडोल्ट ने अपना एक प्रयोग किया था। लैंडोल्ट ने क्या प्रयोग किया था? लैंडोल्ट ने यक्ष के आकार की कांच की एक ट्यूब ली थी, HCl की, जिसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा था। नीचे वाला हिस्सा चौड़ा था, ऊपर का पोर्शन पहले खुला था। एक कांच की एक यह चाकार की ट्यूब ली थी उन्होंने। एक सिरे पर उन्होंने KCl का विलयन और दूसरे सिरे पर उन्होंने HNO3 का विलयन लिया। कोई भी दो अभिकारक उन्होंने लिए थे, और प्रयोग करने के पहले उन्होंने इसको तौल लिया था और उसकी रीडिंग जो भी आई उसको नोट कर लिया। फिर उसके बाद इसके जो ऊपर वाले हिस्से थे इसको बंद करके इसको यहां से पकड़कर ऐसे ऐसे किया
तो ये दोनों सोल्यूशंस यहाँ पर मिल गए और रिएक्शन हुई। रिएक्शन के बाद इनका कलर चेंज हुआ और उसके बाद उन्होंने फिर दौड़ा, तो जो पहले भार आया था अभिक्रिया कराने के पहले और जो बाद में भार आया अभिक्रिया कराने के बाद, दोनों के भार में कोई अंतर उन्होंने नहीं पाया। उससे उन्होंने पुष्टि की द्रव्य के संरक्षण के नियम की। उन्होंने कहा कि जो KCl है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके बनाया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस HCl सिल्वर क्लोराइड, लेकिन अभिकारकों की मात्राओं का योग और उत्पादों की मात्राओं का योग बराबर था। इससे उन्होंने पुष्ट की द्रव्य के संरक्षण के नियम की। इसको पुष्ट करने के लिए एक और रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं। जैसे अगर हम जल का विद्युत अपघटन करें, तो जल का अगर विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसको बैलेंस कर लें, 2H2O is equal to 2H2 plus O2। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं का योग कितना है, तो हम कुछ परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं, परमाणु और उस परमाणु का द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। हम यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस पे देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, हाइड्रोजन 2 है, 1×2 हो जाएगा और दूसरे एलिमेंट के बीच में प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का है 16, ये टोटल 2×2 है, 2×2 यहाँ पे देखेंगे 2×1×2 कर देंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 16×2। हम यहाँ पर देखते हैं 2×16 यानी 18×2 इज इक्वल टू 36 ग्राम, और यहाँ पे हम देखते हैं 2×4+16 इज इक्वल टू 36 ग्राम। यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि अभिकारक था हमारा जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक यहाँ पर जल है। जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका हमने निकाला 4 ग्राम आया, ऑक्सीजन का हमने निकाला 32 आया, दोनों को ऐड कर देंगे 36 ग्राम, उत्पादों की मात्राओं का योग हो गया और वाटर के लिए 36 ग्राम, दोनों मात्राएं बराबर है, जिससे यह प्रूफ होता है द्रव्य के संरक्षण का नियम। अब सेकंड नियम पे चलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम को सन 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। जोसेफ लुई प्राउस्ट इस नियम को सन 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, जैसे वाटर,
एक यौगिक है, रासायनिक यौगिक है। इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने चर्चा की हुई थी कि यौगिक किसे कहते हैं। तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व, वाटर में अवयवी तत्व है, एक अवयवी तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा अवयवी तत्व है ऑक्सीजन। तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व भारानुसार, अभी हमने परमाणु भार की चर्चा की हुई थी, उससे हम भार निकाल लेते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हाइड्रोजन में देखिए 1:2, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना परमाणु भार है, 2 होगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसके पहले हमने चर्चा की थी, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 2:16 है। इसको हम सरल कर लेते हैं, यानी 2 से कैंसिल कर दें, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:8। अब यह यौगिक हमेशा पानी के यौगिक में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा भारानुसार अनुपात, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे वह पानी कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, चाहे हम हैंडपंप का पानी लेकर के आए, चाहे हम बोरिंग का पानी लेकर के आए, चाहे हम सप्लाई वाले नल का पानी लेके आए, चाहे वर्षा का पानी लें, चाहे प्रयोगशाला में बना हुआ पानी लें, कहीं से भी हम पानी को एकत्रित करें, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुसार अनुपात 1:8 आएगा। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करते हैं दूसरे यौगिक की, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अवयवी तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के लिए हमने बताया हुआ था अभी परमाणु द्रव्यमान की चर्चा की हुई थी, कार्बन का होता है 12:1, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16:2 हो जाएगा 32। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसका अनुपात आ जाता है 3:8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी प्राप्त की गई हो, कहीं से भी निकली हुई हो, चाहे जलाने पर, चाहे वाहनों के द्वारा, कहीं से भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हो, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा भारानुसार अनुपात 3:8 ही रहेगा। ये है स्थिर अनुपात बनने। बाकी के जो नियम है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।